जैसा कि आपने ई रिक्शा चालकों की विभिन्न खबरें हमारे चैनल पे देखी, जिसको हमारे चैनल ने प्रमुखता से आपको दिखाई, और उसमें लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी बताया कि ई रिक्शा चालक ना चलने से सड़कों पर वो कितने परेशान है, और आज अपनी समस्याओं को लेकर के उन्होंने जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव भी किया। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। चालक यूनियन भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी ज्ञापन देने भी गए थे डीएम को। आइए बात करते हैं इनके महामंत्री से और जानते हैं ज्ञापन देके क्या आश्वासन मिला। ज्ञापन देने के बाद क्या आश्वासन मिला सिटी मजिस्ट्रेट साहब को? ज्ञापन दिया गया है, उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन में हम आपको जो है बैठ करके बात करेंगे और जो भी होगा उस पर सोचा जाए। भारी संख्या में ये पूरे ई रिक्शा चालक कहाँ जा रहे हैं? हमने राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल में समर्थन दिया है, जहाँ हमारी राष्ट्रीय व्यापी की मीटिंग हो रही है वहीं पे जा रहा है। हाँ, कहीं और का घेराव करने? नहीं, कोई घेराव नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा जहाँ मीटिंग चल रही है ट्रेड यूनियन की, हम वहाँ तक जा रहे हैं। तो अगर ज्ञापन देने के बाद भी आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो किस तरह से प्रदर्शन होने वाला? देखिए, मैंने कहा निश्चित काल आंदोलन करेंगे, जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी होगी, जब तक हमारे रिक्शा चालक रोड पर नहीं चलेंगे कायदे से, तब तक हम जो है करते रहेंगे। संख्या में ही रिक्शा चालक यहाँ मौजूद? देखिए, हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ चल रहे हैं, और सरकार को भी इस बात का अभ्यास हो जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में आंदोलन तेज पकड़ेगा। तो ये थे रिक्शा चालक यूनियन के महामंत्री, जिनका कहना था कि भारी संख्या में रिक्शा चालक यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन देने के बाद क्या आश्वासन मिलता है, ये देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है इन लोगों की मांगे पैसे के साथ। मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँ। सारे रिक्शा चालक यहाँ जा रहा है, इनसे बात करते हैं। क्या ये बताइए, ज्ञापन देने के बाद अगर आप लोगों का रिक्शा नहीं चला तो क्या करेंगे? करेंगे क्या, इसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और क्या करेंगे? और क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा होएगा, ये तो कुछ नहीं है। इतनी संख्या में सारे चालक है तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं ये खुल जाएगा। खुल जाएगा, तो देखते हैं एसएसपी का इस अभियान, और जिस तरह से आज भारी संख्या में ई रिक्शा चालक यहाँ देख रहे होंगे आप मौजूद हैं, आप भी रिक्शा चालक हैं? जी 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 जी। आप लोगों के रिक्शे बंद हो गए हैं, बाधित हो गए, तो क्या हुआ आज सीएम से मिलके? देखिए, उन्होंने ऐसे कहा है कि हम आपकी मांगे आगे तक पहुंचाएंगे, सीएम साहब का मानना है उनका जो आदेश होगा आगे होगा। जो क्या लगता है मुख्यमंत्री आपकी मांगों को सुनेंगे? देखिए, अगर उनके पास इंसानियत होगी या उनके पास दिल होगा तो हम लोग की बात मानेंगे, और नहीं मानना नहीं मानेंगे। तो जैसा कि देख रहे होंगे इस समय काफी संख्या में ई रिक्शा चालक यहाँ है और प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि ज्ञापन देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारा आंदोलन इससे भी विकराल रूप लेगा। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। देखा कैसे आक्रोशित ई रिक्शा चालकों ने पैदल मार्च करके अपनी बात को रखा। जैसा कि आपने हमारी अन्य खबरों में देखा था कि जो एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा प्रतिबंधित
लगाए गए थे पोस्टर कि इस रूट पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। ई रिक्शा चालक उस रूट पर ना जाने के बावजूद उनका अन्य रूटों पर चालान भी हो रहा है और उनसे पुलिस द्वारा भद्रता भी हो रही है, जिसके खिलाफ जो है उन्होंने जिला अधिकारियों के कार्यालय का घेराव किया और बहुत सारी पीड़ाओं से जूझ रहे महीनों से ई रिक्शा चालक अपनी बातों को अधिकारियों के सामने रख रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बातों को अनदेखी कर रहे हैं, जिससे आक्रोशित होकर के आज वो सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने जिला अधिकारी के कार्यालय का घेराव भी कर लिया है। अन्य हमारी खबरों में आपने देखा होगा कि जैसे कि जो भी वो लोग सवारी करते हैं ई रिक्शा की और ऑटो की, बस की, वो काफ़ी परेशान रहते हैं, रोड पर घंटों खड़े रहते हैं। ई रिक्शा चालकों की सिर्फ यही मांग है कि उनको जिन रूटों पर चलाने की अनुमति मिली है उनके ऊपर उनका शोषण ना हो पुलिस द्वारा और अन्य किसी भी अधिकारी के द्वारा। तो ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक करिए, और अगर कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए।